हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती करूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन भी दे रहे होंगे बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आर ग्रुप डी के एग्जाम में टीथ वाले पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे अंदर ये सिर्फ आरआ ग्रुप डी के लिए नहीं कोई भी आप वनडे एग्जाम देंगे उन सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो एस का सी हो सी हो सी हो इनका तो फेवरेट चैप्टर है यहाँ से अगर आप आर एस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप जानते हैं हमारे बॉडी में टोटल तो अगर मैं आपसे पूछूँ की कितने कि दांत होते हैं आज आप में कितने दांत है तो अलग अलग टाइप के मुझे आंसर मिलने वाले हैं कोई कहेगा मैम ट्वेंटी है कोई कहेगा थर्टी कोई कहेगा थर्टी इन सब सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी में या हमारे कितने टाइप के दांत होते हैं हमारे माउथ के अंदर हमारे माउथ में टोटल जो होते हैं वो होते हैं बच्चा चार टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं जरा सुन लीजिए सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स इंसीजर्स और जब इंसीजर्स की बात करते हैं इंसीजर्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं तो आपके सामने एक फोटो लगा हुआ है एक नंबर पे जो दांत आते हैं दांत होते हैं चार टाइप के हमारे बॉडी के अंदर कुल चार प्रकार के दांत होते हैं जिसमें से सबसे पहले होते हैं जिनको हम हिंदी में कृतक बोलते हैं ये नंबर में कितने होते हैं नंबर में आठ होते हैं कौन से होते हैं जब भी आप कभी स्माइल करते हो तो स्माइल करते समय ये चार दांत वन टू थ्री फोर और यहाँ के भी वन टू थ्री फोर चार ऊपर वाले जबड़े के चार नीचे वाले जबड़े के ये जो स्माइल टीथ कहलाते हैं जो बच्चे को सबसे पहले आते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको सबसे पहले आगे के दांत आए थे तो आपकी नानी ने आपके दादी ने कहा होगा कि खरगोश के दांत आ गए हैं तो सबसे पहले बच्चे को जो दांत आते हैं वो इनसीजर ही आते हैं टोटल कितने हैं आठ है ये बात याद रखिएगा उसके बाद केनाइन आते हैं दो नंबर पे जो दांत का प्रकार होता है वो होते हैं केनायन केनायन होते हैं चार और ये जो केनाइन होते हैं वो बहुत नुकीले दांत होते हैं आप देख पा रहे होंगे बच्चा ये वाला दांत किस तरीके का इस तरीके को आपको इसमें थोड़ा सा नुकीला महसूस हो रहा होगा एक ये हो गया इधर का ये हो गया ये नुकीला दांत ठीक है ऐसे ही नीचे देखो ये वाला नुकीला दांत हो गया ये वाला नुकीला दांत हो गया तो जो नुकीले दांत होते हैं जिनसे आप बाइटिंग करने का काम करते हैं चीर फाड़ करने का काम करते हैं चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं या कोई

प्री मोलर्स और प्री मोलर्स को कहा जाता है अग्र चवर्णक चबाने वाले अग्र का मतलब होता है आगे आगे वाले दांत जो चबाने का काम करते हैं ये कितने होते हैं टोटल ये आठ होते हैं बच्चा कौन से वाले देखो दो इधर होंगे दो इधर होंगे दो इधर होंगे दो इधर होंगे इनको बोलते हैं हम प्री -मोलर्स, काम होता है चबाने का ग्राइंडिंग का ग्राइंडिंग खाने को छोटा 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 टुकड़ों में तोड़ने का पीसने का जैसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं मसाले को ठीक है ऐसे ही हमारे मुंह में ये खाने को भोजन को न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं ग्राइंड करने का काम कर देते हैं और सबसे लास्ट में जो दांत आते हैं वो आते हैं मोलर्स मोलर्स जिनको हिंदी में कहते हैं हम चवर्णक टीथ ये कितने आते हैं ये टोटल बारह होते हैं टोटल बारा. इस तरीके से होते हैं देखो यहाँ पर तीन यहाँ पर तीन ऐसे ही तीन इधर होंगे तीन इधर होंगे तो छह ऊपर वाले जबड़े में हो गए छह नीचे वाले जबड़े में हो गए तो टोटल मोलर्स कितने हो गए हैं बारह जब आप इन सबको काउंट करोगे तो आपके टोटल टीथ हो जाएंगे बत्तीस बत्तीस दांत हैं लेकिन बच्चा मैं आपको बता दूं कि ये जो मोलर्स है ना ये सबसे लास्ट में आते हैं और इन्हीं मोलर्स में चार दांत होते हैं जिन जिनको आप विजडम टूथ कहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं विज़डम टूथ या अकल की दांत कहते हैं अब अकल की दांत इसको क्यों कहा जाता है इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है इसको अकल की दांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब मैच्योर हो जाते हैं तब ये आपके अंदर आती है 18-19 साल के बाद ये दांत आपको कभी भी आ सकते हैं और ये जोड़े में आते हैं है ना दो दो का सेट इस तरीके से दो एक बार आएंगे दो एक बार आएंगे और जब ये आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बुखार भी होती है है ना शरीर में दर्द रहता है जबड़े में दर्द रहता है आपको पेन किलर खानी पड़ती है क्यों क्योंकि बच्चा उस समय आपके दांतों का जो मसूरा है वो पूरे तरीके से विकसित हो चुके हैं और दांत कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फोस्फेट के बने हुए होते हैं इतने मजबूत होते हैं दांत तो इस मांस के अंदर से दांत उग के आता है तो आपके मांस में बहुत ज्यादा जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं जिनकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है और ऐसे दर्द अगर आपको हो रहा है तो एक कैटरोल डीटी करके नाम की एक टैबलेट आती है जब भी कभी आपके दांत में कीड़ा लग गया है या आपके दांत के अंदर कोई दर्द हो रहा है झंझनाट हो रही है बहुत ज़्यादा या आपको अकल की दांत आ रही है उस समय आपको दर्द होता है तो एक कैट्रोल डीटी करके नाम की एक टेबलेट आती है आप उसको खा सकते हैं उससे आपको सात से आठ मिनट में रिलैक्स फील हो सकता है तो ये जो अकल की दांत है ये कितने आते हैं ये बच्चा चार आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये जो चार अकल की दांत है ये किस प्रकार का दांत है तो ये बच्चा मोलर टाइप का ही टीथ होता है तो अगर आप में एक भी अकल की दांत नहीं आई है तो 12 माइनस चार यहाँ कर दो या 32 माइनस चार कर दो तो आप में 28 दांत हैं। आप में अभी कितने हैं 28 दांत हैं। अगर आप में दो आ चुकी हैं Tooth, अकल की दांत तो आप में तीस दांत हैं और अगर चारों आ चुकी हैं तो आप में बत्तीस दांत हैं तो इस प्रकार आपके दांत रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बच्चे में कौन से आते हैं स्माइली टीथ इंसिजर्स को कहते हैं कैनाइन कितने होते हैं चार चीरफाड़ करने का काम आते हैं सबसे नुकीले दांत आपके कैनाइंस होते हैं प्रीमोलर्स होते हैं ये वाले यहां के वाले पार्ट कितने होते हैं टोटल प्रीमोलर्स आठ होते हैं और सबसे लास्ट में बच्चे में कौन से आता है Wisdom, tooth, अकल दांत कितनी आती हैं चार आती हैं जो किस में शामिल हैं जो मोलर्स प्रकार के दांतों में ही शामिल हैं और ये सबसे लास्ट में आती हैं तो इस प्रकार हमारे दांत चार टाइप के होते हैं और टोटल आपके 32 दांत हो चुके हैं और अकल की दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है बस ऐसा माना जाता है कि 18-19 साल के बाद आपको 20 से 25-30 साल में कभी भी आ सकती है इसलिए उस समय आपकी अडल्ट स्टेज खत्म हो चुकी होती है इसका मतलब आप मैच्योर हो चुके हैं ना, हो चुके हैं तो इसका मतलब अब आप में जो दांत आ रहा है उसको हम अकल का दांत इसको नाम दे सकते हैं right? राइट ये बात याद रखिएगा अब मैं दांतों के यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ दो चार टाइप के टीथ कैसे होते हैं देखो बच्चा ये होते हैं आपके एनसीजर्स जिनका काम होता है कटिंग की कटिंग करना और दूसरे कैनाइन इस तरीके से नुकीले दांत होते हैं जो टीयरिंग टीर का काम करते हैं और तीसरे टाइप के होते हैं प्री मोलर जिनका काम क्रश करने का होता है मैंने कहा ना क्रशिंग या ग्राइंडिंग करने का काम होता है और जो फोर्थ नंबर पे आते हैं मोलर वो और छोटा ग्राइंड करने का काम कर देते हैं भोजन के टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कर देते तो इस प्रकार से आपके चार प्रकार के दांत होते हैं इंसीजर्स का नंबर लिखोगे तो इंसीजर्स आठ होते हैं केनाइन चार होते हैं और प्री मोलर आठ होते हैं और मोलर्स बारह होते हैं और इसी टाइप पर जब हम बात करते हैं कि एक जब टोटल दांत कितने हो गए हैं बत्तीस और एक जबड़े में कितने हो गए इस टाइप से आपके दो जबड़े हैं पहला जबड़ा ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा तो सोलह इसमें है सोलह इसमें है दांत तो दांत कुछ इस प्रकार के फोर टाइप्स के टीथ होते हैं जिसमें सबसे नुकीला दांत कौन सा होता है सबसे पहले कौन सा आता है सबसे लास्ट में कौन सा आता है ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अब अगला पार्ट जो इससे बनता है वो बनता है बच्चा कुछ डेंटल फार्मूला डेंटल फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं जरा सुनिएगा इनसीजर्स आए कितने हैं इनसीजर्स आठ हैं केनाइन कितने हैं चार हैं प्रीमोलर पीएम और पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना आठ होते हैं हैं और मोलर जिनको हम बोलते में जब एक जबड़े चारों जबड़ों में आठ हैं तो चार जबड़े के चार पार्ट दोनों जब दोनों जबड़ों में आठ हैं तो हमने दोनों जबड़ों को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया तो ये बताइए कि कितने आठ को चार से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा दो दो इंसीजर दो इंसीजर दो इंसीजर दो इंसीजर चार जबड़े हैं और चार ही कैनाइन हैं कितना कितना हो जाएगा वन 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 प्रीमोलर्स कितने हैं आठ आठ को चार से डिवाइड करोगे दो 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 मोलर्स कितने हैं बारह तो आ इसको चार से डिवाइड करोगे बारह को तीन 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 इस प्रकार आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है इक्कीस तेईस इक्कीस तेईस मल्टीप्लाई टू तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो आपको ऑप्शन में हमेशा टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री ही मिलेगा यहाँ पर टू का मतलब है इनसीजर दो को चार से गुणा कर दोगे तो आठ आ जाएगा टोटल इनसीजर आठ आ गए हैं यहाँ पर एक का मतलब है कैनाइन एक को चार से गुणा करोगे तो चार आ जाएगा दो को आप चार से गुणा करोगे तो आठ आ जाएगा तीन को आप चार से गुणा करोगे तो बारह आ जाएगा और यही संख्या आपकी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी आईसीपीएम की Seizures, canines, -molar, molar की। तो इस प्रकार आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है 2, 1, 2, 3, 2, और दांतों के काम दांत किस में काम आते हैं तो दांत हमेशा डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड की कटिंग करते हैं बाइटिंग करते हैं और साथ में उसकी क्रश करके उसकी ग्राइंडिंग करके काम कर देते हैं ताकि बाद में हमारा सेलाइवा जो है वो अपने एंजाइम छोड़ उसमें से न्यूट्रिय का डाइजेशन शुरू कर दे तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे से कंप्लीट तरीके सा, से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो जॉइन साइंस स्पेशल ट्वेंटी वन नंबर नया बैच है ये ये फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की अप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा जिस बैच का ड्यूरेशन है तीन से साढ़े महीने और वैलिडिटी एक साल की है अगर आप इस बैच में ऑन इनरोल करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर फिफ्टी जिस पर आपको डायरेक्टली फिफ्टी का डिस्काउंट अगले दो दिन के लिए अवेलेबल करवाया गया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरा मेरे द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है ये मैं अपनी क्लासेज में पेड कोर्सेज में भी पढ़ाती हूँ शॉर्ट वीडियोज के फॉर्म में मैं आपके यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट कर रही हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है दांतों वाला अगला ही नेक्स्ट चैप्टर मैं इसके बाद रेडियो एक्टिविटी का भी लेकर आऊंगी जिस क्वेश्चन बन तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आ जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम वीडियो कब अपलोड हो गया हमें पता भी नहीं चलता है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू मच